सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, जो कि मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हुआ करते थे, वे अब टीम के मेंटर बन चुके हैं। लेकिन इस बार आईपीएल के 14वें सीजन के लिए सचिन के बेटे अर्जुन का चयन भी मुंबई इंडियंस की टीम में हुआ है। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2021 के लिए हो रही मिनी ऑक्शन में अर्जुन तेंदुलकर को उनके बेस प्राइस यानी कि 20 लाख में खरीदा है। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हालांकि यह फैसला क्रिकेट फैंस के लिए कोई हैरानी भरा नहीं था, क्योंकि दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम के साथ अर्जुन तेंदुलकर 3 सालों से जुड़े हैं। एक लंबे अरसे से मुंबई इंडियंस की टीम के साथ प्रैक्टिस करते हैं और एक नेट गेंदबाज के तौर पर भी नजर आए हैं। लेकिन जैसे ही ऑफिशियली मुंबई इंडियंस की टीम ने अर्जुन तेंदुलकर को अपनी टीम का हिस्सा बनाया रकम अदा करके, उसके बाद तो जैसे मानो बवाल ही मच गया। सोशल मीडिया पर दबाकर मुंबई इंडियंस की टीम व अर्जुन तेंदुलकर पर मेम्स बनने लगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर को नेपोटिज्म करने पर भी पूरी तरीके से ट्रोल किया गया है। आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं और यह प्रेशर तो उन पर हमेशा रहेगा ही। आधे फैंस का यह मानना है कि जानकर अर्जुन को मुंबई में चुना गया है, जबकि वो डिजर्विंग नहीं है। तो अब इसी बचाव में जाहिर खान, मुंबई इंडियंस की टीम के कोच, अब अर्जुन तेंदुलकर के साथ उतर गए हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर के बचाव में मुंबई इंडियंस की टीम के बॉलिंग कोच जाहिर खान ने भी अपना बड़ा बयान दिया है। तो चलिए, बिना समय गंवाए पहले आपको बताते हैं कि जाहिर खान ने आखिरकार अर्जुन तेंदुलकर को सिलेक्ट करने के बाद क्या कहा कि मेरे नजरिए में अर्जुन तेंदुलकर को अभी काफी ज्यादा सुधार की जरूरत है। मैंने उनके साथ नेट्स में काफी समय गुजारा है और वह एक मेहनती बच्चे हैं जो कि हमेशा सीखना चाहते हैं। मैंने उन्हें अपने खेल के कुछ गुण भी सिखाए हैं और यकीनन वह उनके करियर में काम भी आएंगे। हालांकि इस बात में भी कोई शक नहीं कि अर्जुन तेंदुलकर के साथ हर मैच में हर गेंद पर सचिन तेंदुलकर के बेटे होने का प्रेशर रहेगा ही रहेगा। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल जरूर से अर्जुन तेंदुलकर के साथ है और उनको पूरी तरीके से मदद भी करेगा। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसा कितनी बार होता है कि किन्हीं टीमों में युवा खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, उनके बारे में तो बातचीत होती है और ऐसी बातचीत अर्जुन के बारे में भी है। मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर वह खुद को साबित भी करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर को लेकर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी इसलिए भी है क्योंकि घरेलू टूर्नामेंट्स में उन्होंने कुछ ज्यादा खास नहीं किया। ऐसा नहीं कि अर्जुन तेंदुलकर एक बेहतरीन ऑलराउंडर नहीं। इस ऑक्शन से पहले ही मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने एक T20 टूर्नामेंट आयोजन करवाया था, जहां पर अर्जुन तेंदुलकर ने एक ही ओवर में लगातार 5 छक्के जड़ दिए, 31 गेंदों में 71 रन भी लगाए और उसी मैच में 3 विकेट भी निकाले थे अपनी टीम के लिए, जो दर्शाता है कि अर्जुन तेंदुलकर पर अगर काम किया जाए तो वह किसी भी टीम के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। लेकिन अब तो यह वक्त ही बताएगा कि मुंबई इंडियंस की टीम के लिए अर्जुन तेंदुलकर का नाम कितना ज्यादा कारगर साबित होगा। इस पर दोस्तों वैसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस खेलने का मौका देना चाहिए या नहीं, बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।